बारे में हमने गणी मेरी मम तो उसकी इज्जत का वो अरे तार कोई छोटी बात को नहीं थी या इतना बड़ा काम कर क्या रहा हो मेरे पति नहीं उपाय उसने पता नहीं मेरे गिलो के कर रखे ऐसा मन तो कुछ भी को नहीं याद राम राम जी मेरी बहनों को मेरे भाइयों को और कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आपके घर परिवार में भी सारे जने बिल्कुल ठीक होंगे। आपकी दुआ तय मैं भी स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रही हूँ और मैं भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि भाई मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं मैंने उनका पालन पोषण भी करना है। मेरी मम्मी से काटन लग रही है सब्जी आज भाई इस सीजन की सबसे पहली अरबी लिया है मामा मतलब बहुत दिनों के बाद अरबी की सब्जी खाएंगे। हमारे हिमाचल में तो इबाल अरबी को नहीं होती ला रखी अब मतलब खेत में और उड़े तो भाई अरबी हो अलग अलग करूँगा। तो आज भी मेरी मम्मी बहुत दिनों के बाद मम्मी बोली कि मैं बनाऊंगी आज सब्जी अरबी की। मैंने बोला कोई बात नहीं मम्मी आप ही बना लो सब्जी। मैंने उड़े को सारा धो दिया इतना गर्म फर्श हो रहा था कूलर में पानी भर दिया बच्चा नुहा दिया दोनों और मेरी दादी मैं कहने लग रही दादी आप बुरी आज बच्चे भी खेलेंगे और मैंने फिर दूध डाल दिया चली अरबी की सब्जी बनाऊंगी। तो बहुत दिन हो गए भाई बच्चे भी अरबी लिया प्रिया भी मम्मी तो अरबी मंगवा लिया भाई अरबी की सब्जी बहुत अच्छी लग रहा है। हमारे हिमाचल में ना अरबी के परौंठे अरबी की कचौरी इतनी टेस्टी बना नहीं बहुत कुछ बना चटनी अरबी की अरबी उबाल का और उसमें नून मिर्च पाकर उसकी टेस्टी चटनी बना। मेरा मन कर रहा था अरबी की सब्जी खाने तो मम्मी मंगा ही लिया मेरे देवर पर मेरे देवर भी आया भाई सब्जी मम्मी बोली ले मैं कर लूँ कब मैंने उसको धो दिया पानी। मेरा तो भाई सबसे मेन काम है पानी भरने का फ्रीज में पानी सबसे जरूरी है क्योंकि कभी मेरे देवर और राजे इनका फ्रीज खत्म खराब हो रहा था कि कभी उठते पानी की बोतल लेकर दादी आज आज आप भी पूरी बैठ जाओ मैं यूँ पानी सींच लूँ थोड़ा सा उठता गुनू ने भाई उरे नाली चला दी थी नहाने भी लग रहा था फिर मैंने मका धोए भी दूंगी आज पहले आपको छोड़ दूंगा उठे खाट पर बैठ जाओ फिर सीत दूंगी उठता पानी नहीं तो बच्चा ही है गुनू अपनी साइकिल पानी में डूबा होगा तो मेरा सिर सब भूखा है ला फिर बोचूंगी सिर भी आपका उसी नहीं रहेगी लो रे उसी बैठ जाओ खाट में दूसरी खाट में बैठ जाओ रे पैंदे का नहीं बैठ तो क्या कर खाट मिला रखी है बैठ जाओ सिर आराम से पूरी बैठ जाओ मैं तब तक ये पानी छीख लूं वही थोड़ी सी छाम होगी है मन ने भी खाट बिछा दी आंगन में मेरी दादी और मम्मी उरी सोई करे आंगन में क्योंकि उर इतनी गर्मी को नहीं लगती कूलर चला दें भी ठंडी ठंडी हवा आती रहे कूलर की भी और मेरी मम्मी सब्जी काटने लग रही मेरी दादी भी नहीं उसी बड़ा पानी चाह पानी भी दिया पूछ ले कर मैं क्यों पूछ उसने मैं को नहीं पूछ रही कुछ भी थाने पूछना पूछ लो मैं को नहीं पूछ रही किसी का कुछ भी उसने पूछे थे मम वो पूछा मन ने नहीं पूछता नहीं उसने एक बार सोचा हमारे बारे में हमने गणी मेरी मम तो रही उसकी इज्जत का वो अरे तारते भी कुछ खुआ तो नहीं दिया उसने मम ने खड़ा हम तक लैन जो गिन जान जो तरने खड़ा होगा पहला तो छोटा बच्चा थोड़ी है वो खुद भी खा सका उठ का पानी में प्यास लग गया बड़ा गोड़ना चाहिए पानी पुन तो दे खाना चाहिए के गया फिर भी यूं के जमाए कोई छोटी बात को नहीं थी या इतना बड़ा काम कर क्या रहा हो समझ गए आप लोग भी फिर मेरे मन नहीं कहने लग रही पानी देना चाहिए हाँ पानी कर रखे उसने लक्षण ही पानी जो क्योंकि मैं उसने पानी पूछू खाना पूछू देना पड़ा है मैं नहीं पूछती कुछ भी किसी से थाने पूछना पूछ लियो मेरा नहीं लगता वो कुछ भी नहीं जब उसने मेरे बारे में नहीं सोचा कुछ भी मैं क्यों सोचू सोचना पड़ेगा सारा करना पड़ेगा नहीं दिखावांगे पानी पाते कोई बात नहीं हम भी देवांगे तो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं इनके बारे में एक बार ही नहीं सोचा अगले ने दो महीने में घर बढ़ गया इभी भी बता कौन सा मनसूबो तैयार इनकी कूकता है तो भैया तो इतना शुक्र शुक्र मनाना इब इब जो उसने कर दिया वो तो कर ही दिया कोई वो नहीं इज्जत मेरे मन में तो उसके लिए नहीं था ठीक है तुम सारी बात छोड़ो जब मैं कर दी सा काम था मन बड़े हो रहा है क्यों कर रहे के सारे करे कर रहे हैं ये तो 70 हो गया इसका भाग में कष्टी थी देख आई वही बात अपना तो अपना ही है मैं तो दूसरों के दूसरे वही बात है यही तो बात है मैं करती से काम था मैंने शक्ल भी नहीं मेरी देखो उसने तो था पानी पूछो शरबत पूछते भी पूछा ये जा रहा था मैंने उसकी ना जरूरत
मैं तो खुद कर लूंगी अपने बच्चों ने चाहे वही बिक जाए तोड़ते मैंने कोई जरूरत नहीं जो सन माफी मांगी मन सन उसकी तो सारी वो चीज माफ होगी है चाहे वो मेरे पैरों पे गिरो चाहे नाक रगड़ो पर मैंने उसकी जरूरत करी क्योंकि उसने बहुत गलत काम करे उसने नहीं एक तो मैं कड़ी जाऊंगी नहीं आई तेरा पति बाज गया था आई तेरा पति बाज गया था मैं अपने घर आ जाऊंगी और मेरी कितनी बेइज्जती है आज थोड़ी सी बूंद आ रही थी और आंधी तूफान भी आया था मेरी दादी ने उठते खाटी उठा दी पूरे आंगन में तो दियो कहने लगी कोई भरोसा नहीं कि अब तो रात नहीं बूंद आ जाए मेरी दादी और मम्मी उरी सोई कर रही थी और एक ही खाट छोड़ रखी मैं कहती उरी भी चाल इंदी कुछ नहीं आंधी दादी बूंद बांध और कूलर भी कूलर लाए कर रही थी रोज आज कूलर भी भरा हुआ कूलर भी कोई भरोसा नहीं होता आराम का आज कह लो आंधी रड़ी है वो तो आज ठंडा सा मौसम हो रहा भाई थोड़ी सी हवा चल रही है भाई अपना थोड़ी देर का इंतजार फिर कर लेंगे और भाई बूंद आवे कभी आवे कभी थोड़ी थोड़ी आवे कभी मोटी मोटी बूंद आवे और फिर तूफान सा आ जाए मत छतरी करो ठीक है कदे बाहर करांगे घर कदे भीतर करांगे भीतर से जांगे और आज तो नहीं है आराम मम्मी दादी ने आज रोटी भी नहीं खाई मैं कहने लगी थी एक रोटी तो खा लेंगे आज अरवी की सब्जी बना रखी थी खा लेंगे एक रोटी तो खा लेंगे सुबह तो कोई लग दी गिटी दरा उतर दी सारा दिन तो पानी गला भीतर भर लिया फिर ये टेंशन टेंशन दादी आपकी आंख पूरी होगी चिट्टी कोई नहीं मेरी तो कुछ नहीं हो रहा दौड़ा हो गई मणिया सा नहीं हुई गोल गोल काला काला बिल्कुल चिट्टा सारा दिन तो और भगत पानी रोए सारा दिन दुख दिया ना खा लिए के मेरी तो जाओ रही जाओ मन तो नहीं होता हम भी ठीक ठाक रही जाओ देखिए एक मिनट सही ढंग से देखिए मैंने तो आज देखिए आप क्या ढंग से रही आप तो बिल्कुल ठीक है या बिल्कुल चिट्टी हो रही मैं तो पड़ी रहेंगी जो रोएगी सोएगी के बस मेरी दादी ने पता नहीं बेचारी ने इतने सब सारे दिन भला कर दिया सबका फिर भी भगवान ने पता नहीं मेरी दादी के लोग करे आंख भी नहीं छोड़ दी जब भगवान आंख ही हो इंसान की बंदे की आंख ही नहीं हो जी सारा दिन तो फिर टेंशन करे जा पाला बेटे की करी भागा टेंशन ने खा ली होगा सारा दिन और आज भाई मेरे पति ने उस बबीता के बारे में एक बात बताई आप लोगों को मैं बताना चाहूँ मम तो खुद है ही परेशान सारे दिन यही टेंशन लगी रहो मन ने के मम करा के ना करा ऐसा कोई पंडित नहीं मन ने छोड़िया जिसका मन नहीं कर आप लोगों ने जो बताया वो मन ने कराया फिर भी मन इतनी टेंशन हो रही मेरे पति ने उपाय उसने पता नहीं मेरे गिलो के कर रखे ऐसा मन तो कुछ भी को नहीं याद कुछ भी नहीं उसने मेरे को पता नहीं कुछ खुआ रखा वशीकरण कर रखा और मेरे पति को कुछ भी याद को नहीं होगा मेरा पति मन नहीं बेरा लग रहा मेरा पति झूठ बोल रहा या मन ने बुद्धू बना रहा मैंने ऐसा लगा क्या कभी कभी तो मैंने ऐसा लगा एक बार विश्वास करके देख लो फिर मैंने एकदम लगा कभी मारा बुद्धू बना रहा हो उस बबीता की बुराई करेगा हमारी तारीफ दारी करेगा उसके बारे में गलत गलत बोलेगा वो बेकार है फिर बाद में पूरे मारे से सारा अड़प कर भी किसेगा उसके अभी देख जाते अच्छे अच्छे देख मेरा पति मारे गए प्यार प्यार से बात करने लग रहा सब गए बच्चों के लो चीज लिया हुआ दुआ कर कभी फिर अच्छा बन का और फिर मारे पीठ पे फिर चूरा गोप फिर डर भी बहुत लग रहा ये बाप लोग अपनी राय जरूर देना कि क्या करना चाहिए माने क्या नहीं करना चाहिए या मैंने इस बात की नहीं सही बात मेरा तो नहीं दिमाग ने भी काम करना छोड़ रखा जैसे कोई घर में इंसान बीमार पड़ा रहा है तो सारे बंदे उसके पीछे
लगा रहा हूँ, कुछ भी काम करने मन को नहीं करता दिमाग, और न्यू ही मेरा हो रहा, जैसे मेरे पति ने इतना बड़ा काम कर रखा तो मेरा दिमाग ही बिल्कुल भी काम करना छोड़ रखा। मैं नहीं सोचू मैं करूँ तो करूँ पर के करूँ के ना करूँ, मम बड़े छोटे मम समझा वहाँ भी कहूँ अभी वहाँ के कर सका अभी के न्यू मतलब टेंशन लग रहा है, मतलब न्यू बोले नहीं हो करे न्यू हो रहा मेरे के लो तो थोड़ी कहेंगे माँ बाप तो फिर भी समझाएंगे बेटा बेटी ना भाई चल अपना बच्चे हो रहा प्रोग्राम तो नहीं समझावा प्यार था भी चल समझ जाएगा और वो करेगा के बेरा के कर रखे हो गया उसने मैंने तो हिम्मत दिखानी पड़ेगी। मैंने सबसे ज्यादा किसी की टेंशन को मैंने अपने बच्चों की टेंशन तो भाई मेरी मम्मी लेगी दीपू ने परन है और रोन लग गया था तो मैं चाची पे गणा ही वो करा वो चाची पे ही रो तो मैं चाची पटापट न्यू बोलेगी उरी लिया मेरे दो रह रख पर मैं काम भी करूँगी अरे मेरे दो रह भी लेगा तो मेरी मम्मी लेगी भाई। और पता नहीं मैंने पिछले जन्म में के गलती कर रखी है जो भगवान मानते इस जन्म में बदला लेने लग रहा है, इसी बढ़िया जिंदगी जीने लग रही थी इतना प्यार करे करता मेरा पति मेरे तो पता नहीं के हो गया उसके एकदम ही वो तो मने ही बेरा मेरे के लो बीतन लग रही तो मने ही बेरा मैं कुकर अपनी जिंदगी काटन लग रही है। और आप लोग भाई मेरे तो इतना प्यार करने लग रहे हैं जिसमें उंगली काटे इसमें पीड़ जिसमें को बीतर बना नहीं दोषी बनगी से बनगी कोई बात नहीं उसने तो मेरा साथ ही छोड़ दिया ना दादी भी को नहीं मतलब मेरा इतना त्यार होने मेरा मन नहीं कर दी तो बस उंगल नहीं पड़े खाली हाथों से एक आज गुन्नू ने निकाल के गो डुगू खेलन लग गया था पता नहीं कड़ा के चूड़ी पैर ले कर नहीं रखे मेरा गया पर दिल क्षमा नहीं नहीं करता इतना डरावा उठ रहा मेरे तो मन जणो जाय को तिजणो तोड़ कर मेरे ने इतने लाड़ सा और मन तो ये भी नहीं हो रही कदी हमारे के मजाक तो नहीं वो कर तो नहीं करया मजाक ही करे और फिर भाग जाए मारे वो बना दे फिर बुद्धू और मम आत्मसलते रह जाए और पर तो मैं इतनी ढिल्ली को नहीं रहती ही तो मैं सारी चीजों में सारा पर बदर रखा है करके और आप मेरी बहन हो भाई जो मेरे से इतना प्यार करने लग रही इतना सपोर्ट करने लग रही हो मेरी बड़ी बहन है कोई मेरी छोटी बहन है मेरे भाई है बस आप लोग अपना प्यार देते रही हो बस आप लोगों का सपोर्ट है चाहे मुझे पूरी दुनिया छोड़ दो मेरी दादी तो भाई मेरा साथ कभी नहीं छोड़ती ना मेरी मम्मी मेरे सिवा पति का मैंने भरोसा को नहीं प्यारे लगा मैंने अपने पति की गारंटी ले नहीं सकती अपना स्थान को कृपा आया दिहाड़े पर मेरे को इतना धोखा कर रहा हुई बीबी मेरे पति ने तो पर्दे से मेरा साथ छोड़ दिया बेचारी दादी और फिर भी मेरे साथ हमेशा खड़ी रही इतना बुरा वक्त देख क्या मन है ना इतना तो सपने में भी नहीं मैंने सोचा था कभी मन ऐसा किसका सारा मेरे बाप तो राम ने ले ली मेरी दादी ने मरियो रेट तेरा मैं के कह सकूंगी और मेरी दादी ने न्यू कह करदा इतना प्यार किसी का नहीं करता सच बता रही मेरे भी नहीं करा करता जितना प्यार मेरी दादी का कर रहा हूँ बहुत ज्यादा पता नहीं के हो रहा बहुत मतलब इतना बढ़िया इंसान और एकदम ही बदल गया।